जय हिंद साथियों, तो हरियाणा में इस बार इलेक्शन होने हैं, तो इस इलेक्शन की बहती गंगा में आप भी हाथ धो लीजिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो कोई भी गवर्नमेंट बेरोजगारों के प्रति ध्यान नहीं देती। और जब इलेक्शन आता है तो इस तरीके से काम होता है, इतना फास्ट काम होता है कि आप ये नहीं समझ पाते कि हमारी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर सकती है। तो अभी यहाँ पर इलेक्शन होने हैं और इसमें बताया जा रहा है कि सितंबर में जो है आपकी आचार संहिता लग सकती है, सितंबर में आचार संहिता लागू हो सकती है। तो इसलिए अगस्त तक ही 15 अगस्त तक 25,000 से ज़्यादा पदों पर ये नियुक्तियाँ दे देंगे, ज्वाइनिंग लेटर बांट पूरा एक फंक्शन करके ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे, क्योंकि इन्हें क्रेडिट भी लेने हैं। यहाँ पर हम बात करें सिपाही भर्ती का, तो कॉन्स्टेबल की भर्ती जो कि 6,000 पदों पर भर्ती है, इसका भी 15 अगस्त तक आप ये कहिए कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसका पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। भले ही आपको ऑफिशियल साइट पर कुछ नहीं दिख रहा होगा, किंतु यहाँ पर पूरी तैयारियाँ इनकी हो गई है, ये ऑफिशियल न्यूज ही है। आज का न्यूज आर्टिकल आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि सिपाही के 6,000 पदों के लिए पीएचटी और पीएमटी इसी माह होगा, अर्थात 31 जुलाई तक आप कह सकते हैं कि आपका पीएमटी पीएचटी समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त के प्रथम सप्ताह में परीक्षा होगी और 10 अगस्त तक आपका फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, यहाँ पर ये बात भी कही गई है। तो यहाँ पर आप लोग तैयार हो जाइए, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, आप इसके रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए। अभी हम बात करेंगे कि आपके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपके परीक्षा होंगे और परीक्षा के तुरंत बाद आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, आपको हो सकता है 15 तक ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाए। तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कीजिए, फिजिकल के लिए तो वैसे भी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप अपने रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए। और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि लास्ट समय में आपके लिए जो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो प्रीवियस ईयर का रिवीजन करना। अगर आप इस बुक से प्रीवियस ईयर का रिवीजन करते हैं, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड सभी प्रश्न दिए हुए हैं, तो लास्ट समय में आप इसके जरिए अपनी प्रैक्टिस और कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट बुक आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। इस बुक में प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी सेट को कवर किया गया है, जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों के हर एक ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो हर एक प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें मिल जाएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा या तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न या तो उसी से रिलेटेड प्रश्न आगे एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इस बुक को बाय कर लीजिएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको मिल जाएगा। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, इसमें बताया क्या गया है, और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आर्टिकल्स वगैरह आते हैं मैं टेलीग्राम पर नोटिस सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा के तुरंत बाद जारी होगा सिपाही भर्ती का परिणाम, और भर्ती को 10 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं पीएमटी पीएचटी जुलाई में ही पूरा कर लिया जाएगा और अगस्त के पहले सप्ताह में लिखित परीक्षा हो जाएगी, उसके तुरंत बाद परिणाम जारी किया जाएगा। और आयोग की मंशा है कि 15 अगस्त से पहले इनकी नियुक्ति दिलाई जाए, तो 15 अगस्त से पहले ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है कि एक महीने बाद आप ज्वाइनिंग पे हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरी तरीके से आप अपने आप को झोंक दीजिए इसके फिजिकल रिटर्न एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम की भी आप तैयारी करते रहिए। हम बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड के बारे में कि फिजिकल का एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो पूरी संभावना है कि आज कल तक 1 से 2 दिन में आपका जो है फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल आपका 31 जुलाई तक कंप्लीट होगा। और एक न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया गया था कि 12-13 जुलाई से आपके फिजिकल शुरू हो सकते हैं, तो बहुत ही जल्द आपको नोटिस देखने को मिलेगा। 1 से 2 दिन में नोटिस के साथ साथ आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, नोटिस के साथ साथ एडमिट कार्ड आएगा। पहले ऐसे इन्होंने नोटिस नहीं दिया तो डायरेक्ट आपके एडमिट कार्ड ही आएंगे फिजिकल के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाइए, जैसा एडमिट कार्ड आएगा किस तरीके से डाउनलोड करने हैं वो सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।